गुड मॉर्निंग दोस्तों, देवशिल्पी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे नहर है, ये सुंदरनगर की नहर है। ये जो है ब्यास नदी से ये नहर निकली हुई है। तो जहाँ से ये नहर शुरू होती है उसका दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ से ये ब्लॉग शुरू होता है आजरीवाल सर के लिए। तो आप बने रहिए देवशिल्पी ब्लॉग में। उस फाटक से टनल के अंदर से ये ब्यास नदी का जो पानी लाया गया है नहर के द्वारा और जो निकलता है सुंदरनगर नहर और वहाँ पे सुंदरनगर की जो कृत्रिम झील है वहाँ तक, उसके बाद फिर से टनल के अंदर जाता है और फिर सतलुज में मिल जाती है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो निकलते हैं सर वापिस यहाँ से और करते हैं राइड आज की शुरू। और अभी हम लोग हैं बग्गी में जहाँ से सुंदरनगर की जो नहर निकलती है ब्यास नदी की, और इसके बाद हम निकलेंगे अबरीवाल सर। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में नहर भी जा रही है और साथ में रोड भी जा रहा है। अब पहुंचेंगे हम बग्गी चौक के पास, पुल के पास, उसके बाद हम राइट हैंड को टर्न होंगे, अब निकलेंगे सीधा अबरीवाल सर। तो अब निकल गए हम चौक से नीचे। बहुत मज़ा आएगा इसी बारिश में सर आपको। और ये कुछ तो नित्यानंद जी कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग अभी? पहुँच रहे हैं विजय फोटोग्राफी के पास। हाँ, विजय फोटोग्राफी। अच्छा, बारिश नहीं, पता नहीं कैसे हो गया हमारा राइड को। रोड है बट अभी नहीं। अभी यहाँ से तीन मोड़ आ गए। अच्छा, तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं नेशनल हाईवे में। तो अभी हम हो जाएंगे लेफ्ट। तो हम जा रहे हैं आज, कहाँ जा रहे हैं? अबरीवाल सर। रोड बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, लेकिन बारिश है। अब बारिश में ब्लॉक कैसे बनेगा तो बाद में पता लगेगा कि कितना बढ़िया आएगा, स्क्रीन में कैसा दिखेगा, इसका बार निर्णय तो बाद में होगा जी। अभी कुछ नहीं बोल सकते। तब कहाँ जाएंगे सर? यहाँ से हम हो जाएंगे इधर को है, ये बना हुआ पुल, कौन सा पुल बना हुआ है? क्या इसके नीचे कोई नहर है, कोई खड्डा है इसके नीचे? अच्छा, अब आप कहाँ जाएंगे सर? इधर को। हेलो, सीधा चलते रहो। अच्छा,
गलत बैठे जूम करो सोते जान लगे पता है जूम करो और जूम करो तो अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, क्या है जगह का नाम कुछ पता है नहीं है कि बताओ जरा गूगल क्या बता रहा है। सदानंद करियाना स्टोर आगे आएगा। अच्छा जगह का नाम नहीं बताया इन्होंने। जगह का नाम नहीं बताया है। करो कुछ कमेंट्री बढ़िया दे। तो ये तो हटगढ़ साइड को ना बहुत भारी मूर्तियां ऐसी बना के रखी है, दब के रखी है। देखो ये तो जंगला दे ये ना मूर्ति लग गढ़ तो बनाते गए कलाकार फिर वहां से निकल के चले गए दूसरी जगह है। नहीं तो पौने मूर्ति डरी है बनाया करे तो कहते नगा नहीं हो लोग चौकी है घर दे महाराज बंदूक लास्ट रहे अच्छी बारी तो बाय मंडी पला भाषणा बैठे देखा त्रिवाल सर के लिए लोग जो है बहुत जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, लेकिन बरसात में यहाँ आना मुझे लगता है कि हमने थोड़ी गलती की है। अब सुबह इतना पानी हुआ है, बारिश हुई है कि अब ये
कहना बड़ा मुश्किल है कि कैसा रोड रहेगा। तो रोड के हालात तो आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। तो तीन नित्यानंद जी अब क्या करें, जाना गवा हुए बनता जा आए गए। तो रोड के हालात हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं कि आजकल अगर आप सुंदरनगर से रिवालसर आ रहे हो तो आपको इस तरह का रोड मिलने वाला है जब तक बारिश होगी। तो यहाँ से तो सवाल ही पैदा नहीं है कि आप गाड़ी थोड़ा भी बाहर कहीं निकालें। अगर आपने कोशिश तक भी की तो आप समझो आपकी गाड़ी धस गई। यहाँ से तो जितने जल्दी हो सके निकल लो यहाँ से। अभी हूँ मैं रिवालसर में और आप मेरे सामने देख रहे हैं शिव मंदिर रिवालसर। यह प्राचीन शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन है, पूरा पत्थर का बना है। और वो सामने अगर मैं जूम कर दिखाऊं तो वो है अंदर। नंदी और इनकी पूंछ के पीछे लटके हैं धर्म। धर्म ने जो है नंदी की पूंछ पकड़ के रखी है। ये देखिए कुछ इस तरह से है शिव मंदिर। ऊंची गुम्बद, इसके मीनारे सब पत्थर पूरा पाषाण का बना है। ये देखिए झरोखा बहुत ही खूबसूरत नक्काशी के साथ। रिवालसर सर पर एक बहुत अच्छा ब्लॉग तैयार हो सकता है। ये जो पूरा मंदिर है बहुत ही प्राचीन काल से ये मंदिर है, पांडवों से के समय से। और पांडवों का यहाँ पे आगमन हुआ था तो ये पूरा पाषाण के समय सिर्फ इसमें बाहर से इन्होंने इसको पेंट किया है। बाकी ये पूरा का पूरा मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे आके जो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो इसका शिखर आप लोग देखिए, आगे जो मंदिर के आगे आप छत देख रहे हैं, इस पूरी पत्थर की ही छत है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत अद्भुत नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो आइए कुछ उसके सामने, बिल्कुल सामने एक और शिव मंदिर है। ये बिल्कुल नया शिव मंदिर है, यहाँ पे किसी ऋषि का मंदिर है। ये देखिए मेरे सामने बतख हंसों का जोड़ा, बहुत ही खूबसूरत। ये लड़ाई करता है ये झगड़ा भी करता है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
सब ऐसे में देख ही क्या है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जू में और हमने 20-20 रुपए का टिकट लिया। उसके बाद जो हम अंदर गए और हमने यहाँ पे जो है जो चीज़ देखनी थी हम बता दी। ये देखिए इसको बोलते हैं हमारी भाषा में घोरल, बकरी टाइप होती है ये, बकरी नहीं है, बोलते क्या बोलते हैं इसको, घोरल टाइप होती है ये है। और वो देखिए कितने छोटे छोटे सिंह है इसके। इसके बाद ये है बारह सिंह जी है ना, जंगली हिरन टाइप है ये, सांबर बोलते हैं। इसके जो सींग हैं थोड़े चौड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं जू पे नॉर्मल जा जू में समाप्त करना चाहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इन्हीं खूबसूरत पलों के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। और ये रहे जंगली हिरन, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो फिर एक नए ब्लॉग के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।